यस स्टूडेंट्स, अब जो क्लास 10th मैथ्स की क्लासेस कर रहे हैं, ये उसकी थर्ड क्लास है। अभी हम चैप्टर 1 रियल नंबर कर रहे हैं और हम बहुत छोटी छोटी सी वीडियो बना रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि आप एक वीडियो से एक पूरा पर्टिकुलर क्वेश्चन और एक पूरा पर्टिकुलर आप जो है टॉपिक समझ पाएं। असल में आप 5-10 मिनट में उसे इतने अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उम्मीद करता हूँ कि वो जहन में बैठ जाएगा। मैं 1 घंटे की वीडियो बनाऊं, उसमें 3-4 क्वेश्चंस डालूं, 3-4 टॉपिक अलग अलग डालूं, तो शायद वो आपको मुश्किल हो। तो हमारी कोशिश है कि आप मैथ्स को बहुत इजीली समझें, अपने लेवल पे समझें, जो आपका लेवल होता है। हर बच्चे का अपना मिजाज होता है, अपना लेवल होता है, उसका थिंक लेवल अपना होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने लेवल पे उसको समझें और सीखें। तो ये हमारी चैप्टर 1 रियल नंबर की तीसरी वीडियो है। मैं हर एक उसमें वीडियो में लिंक दे रहा हूँ प्रीवियस का, जिससे कि आप आपस में देख सकें उन वीडियोस को। और जब हमारा पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे, जिससे कि आप चैप्टर 1 जब आप चाहे देखना चाहें तो चैप्टर 1 के हर क्वेश्चंस को देख सकें। पहले हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, फिर हम एग्जाम्पलर जो सीबीएसई एनसीईआरटी होता है वो करेंगे, और फिर हम आरडी शर्मा के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। चांसेस ये होते हैं कि मैं ये कहता हूँ कि 50-60% का चांसेस होते हैं जो इस क्वेश्चन के आने की, जो मैं अब आपको बताऊंगा। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4-5 और आपका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, इनमें से दो में से प्रूफ के क्वेश्चंस रहते हैं, कभी कभी ऑप्शंस भी रहते हैं। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। ये हमारे पास वीडियो 3 है और इसमें आज हम ये सीखेंगे कि यूक्लिड डिविजन लेमा पे बेस्ड जो ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, एक्सरसाइज 1.1, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम्स। आपसे कह रहा है यूक्लिड डिविजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। और नीचे वाले में दे रहा है यूज यूक्लिड डिविजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1, 9m+8। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने पिछली क्लास में वीडियो 2 में पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में हमने किया था, जब हम कहते थे कि पॉजिटिव इंटीजर 6q+1, 6q+2, 6q+5 होता है। यहाँ पे उससे थोड़ा सा आगे है कि अगर हम उसका स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, या अगर हम क्यूब कर दें तो क्या होगा। तो खैर देखिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। हम ये वाला क्वेश्चन ले रहे हैं आपके साथ, क्वेश्चन नंबर 4। मैंने पहले भी कहा था, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे यूज शो दैट स्क्वायर, स्क्वायर तो हम बाद में देखेंगे, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें जो यहां लेना है पॉजिटिव इंटीजर लेना, तो हम यहां ले लें लेट, क्या है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहां पे इवन और ऑड नहीं दिया हुआ है, ये मतलब इसमें यहां जो बी दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है, तो हम ले देते हैं एंड बी इज इक्वल्स टू 3। तो अगर आपके पास ए है और आपके पास बी है, तो बाई यूक्लिड डिविजन लेमा ए इज इक्वल्स टू 3q+r, वेयर r इज मोर देन इक्वल्स टू 0, लेस देन 3। यहां तक वही जो हमने लिखा है, करना अभी भी वही है, बस यहां पे स्क्वायर और क्यूब दिया है, तो स्क्वायर क्यूब देखेंगे। यहां आप लिख सकते हैं क्यू एंड आर आर इंटीजर्स। अब
अब क्योंकि आपने यहाँ लिख दिया कि r इज मोर देन 0 लेस देन 3, तो आप बता सकते हैं कि r इज इक्वल टू 0 और 1 और 2। तो प्लीज यहाँ देखते जाइए, ये r की वैल्यूज हैं और r आपके पास यहाँ है 3q+r, तो ये 0 1 2 यहाँ रख दीजिए। तो इफ r इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 3q, हमें करना है स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा 9q² ये हमारे पास। अब यहाँ थोड़ा सा आप लोग सब समझ लीजिए बच्चे, तो ये इंटीजर एक ऐसे नंबर्स हैं कि अगर इंटीजर में इंटीजर प्लस करें, मल्टीप्लाई करें, माइनस करें, तो रिजल्ट इंटीजर ही आता है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हम 3 × 2 या 3 × 2² एक इंटीजर ये लिखें, एक इंटीजर ये लिखें, उससे अच्छा ये है कि हम एक इंटीजर लिख दें 12। तो यही यहाँ कह रहा है कि 9q² है, तो क्या मैं इस 9q² को अगर आप कहें तो ऐसे लिख दूं 3 × 3q², और ये जो 3q² है, 3 एक इंटीजर है, q एक इंटीजर है, इसको मैं m लिख दूं ऐसे, और यहाँ लिख दूं 3q² = m। तो हम क्या कह सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m, वेयर m इज एन इंटीजर। इस तरह से, इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं इफ r इज इक्वल्स टू 1, तो a विल बी 3q+1 एंड स्क्वायर ऑफ दिस, a प्लस b का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 9q² + 6q+1, ये मेरे पास हो जाएगा। तो अगर आप कहें तो यहां से 3 कॉमन, तो आपके पास आ जाएगा 3q² + 2q+1, और इस 3q² + 2q ये एक इंटीजर होगा, ये एक इंटीजर होगा, दोनों को प्लस करेंगे तो फिर दूसरा इंटीजर होगा, तो इसे आप लिख सकते हैं 3m+1, वेयर m इज इक्वल टू 3q² + 2q। इस तरह से फिर आप एक ले सकते हैं इफ आर इज इक्वल टू 2 लास्ट, तो ए इज इक्वल टू 3q+2, अगेन स्क्वायरिंग, होल स्क्वायर आएगा, तो आपके पास क्या आएगा 9q² 2 3 जा 6, 2 जा 12q+4। यहाँ ध्यान रखना है इस 4 को 3+1 लिख लीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा 9q² + 12q+3+1, और यहाँ से 3 कॉमन, तो 3q² + 4q+1, तो इसको आप m लिख सकते हैं 3m+1, ये हमारे पास। तो यहाँ आप मेंशन कर दीजिए m इज इक्वल्स टू 3q² + 4q+1। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि स्क्वायर हेंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1, ये हमारे पास। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्यूब करना है बस, और ज्यादा कुछ नहीं होगा। देख लीजिए दोबारा से एक बार, हमने क्या लिया, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, बी को 3 लिया, तो ए और बी का रिलेशन आ जाएगा ए इज इक्वल टू BQ+R, तो B की जगह 3 रखोगे 3Q+R, R हमारे पास 0 to 3 हो जाएगा, 0 to 3 का मतलब है 0 1 2, क्योंकि 3 से 3 से छोटा लेना है, तो R इज इक्वल टू 0 के लिए एक वैल्यू, R इज इक्वल टू 1 के लिए एक वैल्यू, R इज इक्वल टू 2 के लिए एक वैल्यू। 0 के लिए रखेंगे तो A इज इक्वल टू 3Q, A² इज 9Q², लेकिन हमें जो चाहिए वो यहाँ ये चाहिए था कि 3m और 3m+1, तो हमें 3m लाना है, 3m+1 लाना है, तो हम कोशिश वही कर रहे हैं, तो यहाँ 3m आ जाएगा, यहाँ 3m+1 आ जाएगा, और यहाँ भी 3m+1 आ जाएगा। तो आप कोशिश कर सकते हैं इस तरह से इसे सॉल्व कर लें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में मुझे मेंशन कर सकते हैं, तो फिर कोशिश करेंगे कि कुछ और तरीके से आपको और अच्छे से समझाया जाए। तो ये हमारी 3 वीडियो हो गई हैं और हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। इसमें सिर्फ एक एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है जो बटालियन वाला है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सीएफ और एलसीएम की, दोनों की एप्लीकेशन के साथ। तो ऑल द बेस्ट।